नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। वंदे मातरम, वंदे मातरम। देखते हुए हमने भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के निर्देश अनुसार प्रदेश कार्यकारिणी की सहमति से इनको हमने जिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। इनका आसपास गांव में ही नहीं बल्कि पूरे महेंद्रगढ़ जिले में समाज सेवा के तौर पर इनका नाम सुना हमने। सबसे पहले तो मैं कोई बड़ा नेता नहीं हूँ और ना मैं गांव के लिए कभी नेता बनूंगा, ना मैं नेता बनने की इच्छा है। ये मेरा पहला स्टेप है और सच बात है कि इतना एक बार पहले फ़ोन के ऊपर इतने भी आदमी आए, किसी को मैं घर नहीं गया। 10 बजे मैं कंपनी से आया हूँ, 10 बजे से 5 भी आदमी के पास फ़ोन किया है, सब आदमी फ़ोन के ऊपर आए हैं और मैं जब तक जीऊँगा इतने इन सब का ऋणी रहूँगा। मेरे अंदर कोई जातिवाद नहीं है, 36 बिरादरियों का मैं आदमी हूँ, समाज से जुड़ा हुआ हूँ। पहले भी मैंने काम किए हैं, उसमें मैंने कोई कुछ नहीं देखा, आगे मैं नहीं देखूँगा। जो इन्होंने मेरे को मान सम्मान दिया है, मेरे पिता तुल हैं, उनकी भावना कभी ज़िंदगी में कोई ठेस नहीं पहुँचाऊँगा। कोई आधी रात नहीं मेरे पास आएगा, किसी भी प्रकार से मैं किसी भी उनको परेशान नहीं करूँगा, अपना निस्वार्थ काम करूँगा। पहुँचती हैं वो आप सब जानते हैं। भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन एक राष्ट्रीय स्तर का एक संगठन है। ये संगठन पूरे देश में गरीब मजदूर के लिए कार्य कर रहा है और आपके सहयोग और मार्गदर्शन में, आपके आशीर्वाद से मुझे प्रदेश अध्यक्ष का दायित्व इसमें सौंपा गया और बहुत कम समय मुझे इसमें अभी नियुक्ति हुई समय हुआ है। अभी भाई अनिल जी से मेरी कल फ़ोन पर संपर्क हुआ था, जैसे इनसे संपर्क हुआ इनकी भावनाओं को देख करके मेरे दिल में बड़ी खुशी हुई और मेरा हौसला अफजाई हुआ और यहाँ आकर देखा आसपास के बुजुर्ग जो हमारे दिलों की जान है, हमारे मार्गदर्शक हैं, वो सारी हस्तियाँ आज मुझे भी इनके सहयोग से आशीर्वाद मिला, मुझे भी वो ताकत मिली। मैं ऐसे अपने बुजुर्ग कैप्टन साहब, हमारे शर्मा जी व मनोज पत्रकार जी और आपके बीच जो हमारे भारतीय जनता मजदूर ट्रेड यूनियन हरियाणा के हमने जिला अध्यक्ष आपके बीच से आदरणीय श्री अनिल कुमार यादव जी को जिला महेंद्रगढ़ का एक भार सौंपा है, जो कि हमें आशा है कि ये उस पर खरा उतरेंगे और मैं ये आशा करता हूँ कि अनिल जी हमारे जो मजदूर ट्रेड यूनियन का जो कार्य है, जो हमारे सभी मजदूर वर्ग हमारे गांव में व क्षेत्र में जो भी समाज में ये गरीबों का अनेकों प्रकार की जो मोदी द्वारा। जय हिंद, हरियाणा अपडेट न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज फौजी। आज हम आए हैं काटी खेड़ी गांव के अंदर, जहां पर कि अनिल जी को एक जिम्मेवारी दी गई है। जिम्मेवारी ये है, मैं आपको देसी भाषा में बताता हूँ, जिम्मेवारी ये है जितने भी ये पीछे लोग खड़े हुए हैं, इनको जो योजनाएं इनको मिलनी चाहिए वो योजनाएं ग्राउंड पे नहीं मिल पाती है। ये मैंने आके देखा है, क्यों गरीब आदमी को कुछ नॉलेज नहीं होती, उसको पता नहीं होता मेरे को कहाँ पे जाना है, क्या करना है, कौन सी योजना मेरे ऊपर लागू होती है, मैं उसका फायदा ले सकता हूँ नहीं ले सकता। इसलिए जो अनिल जी हमारे बीच में खड़े हुए हैं, इनको जिला अध्यक्ष का भार दिया गया है कि ये लोगों के जिले में जाए, गांव में जाए, उनकी समस्याओं को सुने और उन समस्याओं को उन लोगों का समाधान कर पाए कि किस प्रकार से हमारे को जो प्रधानमंत्री के द्वारा जो हमारे को योजनाएं आ रही हैं उनको हम लोगों तक किस प्रकार से पहुंचाएं और लोगों को किस प्रकार से उनका लाभ मिल सके, ये सारी चीजें देखने के लिए ही इनको प्रदेश अध्यक्ष चुना गया है। यहाँ पे रामनिवास जी भी खड़े हुए हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये प्रदेश सचिव हैं, सारे यहाँ पे ये पंडित जी महाराज खड़े हुए हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। तो ये सारी चीजें मैं बताना ये चाहूंगा कि इनसे भी हमें बात करूंगा कि गरीब आदमी जो भी है जिसको नहीं पता वो आके इनसे मिल सकता है, इनकी सेवा ले सकता है और ये दिन रात एक समाज सेवी के रूप में पहले भी इन्होंने काम किया है और आगे भी करेंगे। ये अनिल जी आप ये बताएं कि आपको ये पदभार दिया गया है तो आप जो यहाँ पे जितने भी लोग खड़े हुए हैं इनकी किस प्रकार से सेवा करेंगे? मैं इनकी जैसी भी कोई समस्या होगी उसके अपने हिसाब से, जैसे मेरे को पद दिया गया उस हिसाब से जो योजना है उनका इनको लाभ बांध करवाऊंगा और मैंने पहले भी बगैर पद भी मैंने लोगों को बहुत काम किए और आगे भी ऐसे करता रहूँगा और हर योजना के बारे में दे रहा है वो जो मैं आऊँगा जो वगैरह से जानकारी लेके इन योजनाओं का लाभ उठा के गरीब आदमी के सच्चा न्याय मिले, सारा हाथ मिले, उसमें आपको खड़ा।
मैं देख पा रहा हूँ कि आप बोल रहे थे कि यहाँ पे जो मुन्ना लम्बा जी आए हुए हैं छिपा बात कर रहे थे कि एक फोन पे इतने बंदे आना मेरे हिसाब से मुश्किल है, क्योंकि तो गाँव में आप देख पा रहे हो कि इतना प्रेम भाव मेरे को कहीं नहीं दिखाई दिया। ये आपको किस प्रकार से मतलब इसको किसको श्रेय दे? ये तो मेरे गांव के लोगों का श्रेय दूंगा, जो ये गुजरा गए जो मेरे फोन पर जाते हैं, इतना बड़ा समझते मैं इनका जुर्म हार जाऊंगा। लेकिन ये बात एकदम परफेक्ट है, आप किसी से पूछ सकते हो। सारे कॉल पे आए, मैं घर पे जाने के पास टाइम नहीं था और 10 बजे से मैंने अभी मतलब इकट्ठे करे सारे कॉल पे आए। मैं सब आराम आसान मानता हूँ। ये जो अनिल जी बात बोल रहे हैं जो योजनाएं आपके बीच में लागू कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि ये बदल जाएंगे बाद में या आपका काम करेंगे? आपको विश्वास है? नहीं बदलेंगे जी, ये सच्चा और ईमानदार आदमी है, ये कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। बोलो जी आप। ये सच्चे और ईमानदार है, शुरू से ही इनके परिवार के अंदर इस बच्चे ने शुरू से सबसे जुट के ग्राम गृहस्थी के अंदर 3600 कार्ड को एक बराबर समझ के और सबका काम किया है और करता ही रहेगा। थैंक यू। आप ये बताइए रामनिवास जी, वही मुन्ना लम्बा वाली बात है मेरे पास में, इस कोहिनूर को आपने कैसे ढूंढा? सबसे पहले आपके हरियाणा अपडेट चैनल को स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। देखो अनिल भाई जी का इस क्षेत्र में महेंद्रगढ़ में ही नहीं साथनगर के राज्यों में भी इनका समाज सेवा युवा के नाम से पहचान है और हमारा सौभाग्य है कि हमने ऐसे युवा साथी समाज सेवी को अपने संगठन में जोड़ने का मौका मुझे मिला। इनके नेतृत्व में जो सरकार की जो योजनाएं हैं वो जल्दी गरीब आदमी तक पहुंचेंगी, ऐसा हमें पूर्ण विश्वास है। लंबा है मैच और सब लगा करते।